हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल पर स्वागत है, एसएससी सागा पर। तो मोस्ट अवेटेड वीडियो थी ये। बच्चों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि CPO 19 की फ़ाइनल कट ऑफ के बारे में बताओ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने 2018 की कट ऑफ के बारे में बताया था और एग्जैक्टली सेम कट ऑफ वहाँ पर गई थी। तो मैं एक आपको फेयर आइडिया दे सकता हूँ इस बार भी कि आपको कितने मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे अगर आपको दिल्ली पुलिस लेनी है या अदर CAPF की कोई भी पोस्ट लेनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप एक बार देख सकते हैं कि कट ऑफ क्या थी DP में, और मैंने यहाँ पे साइड बाय साइड मेंशन कर रखा है वैकेंसीज़ का भी। तो वैकेंसीज़ आपको पता है, UR में 100 वैकेंसीज़ थी और 349 की कट ऑफ गई थी। OBC में 66 वैकेंसीज़ थी और 338 की कट ऑफ गई थी। तो ये आप यहाँ पर कट ऑफ देख सकते हो कि इंडिविजुअल कैटेगरीज में इतनी कट ऑफ गई थी। तो यहाँ पर मैंने वैकेंसीज़ क्यों मेंशन कर रखी है, तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, उस टाइम पे जो वैकेंसीज़ थी DP के लिए 18 में, तो वो टोटल 200 के आसपास वैकेंसीज़ थी, और जो इस बार वैकेंसीज़ हैं वो आधी हैं इनसे। तो आप समझ सकते हो कि कट ऑफ 19 में भी ज़्यादा जाने के चांसेस रहेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। तो डिस्कस करेंगे वो सब फैक्टर्स, साथ में बताएंगे आपको। वीडियो के साथ ज्वाइन रहना और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दे, कमेंट करना, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही CAPF की कट ऑफ देख लेते हैं। और आप लोगों को पता है, अगर आपने वीडियो को देखा होगा, तो CRPF की जो कट ऑफ गई थी वो 18 में, वो सबसे लोएस्ट गई थी। और इसका रीज़न ये था कि वैकेंसीज़ थी जो वो बहुत कम थी, एज़ कंपेयर टू 17 में वैकेंसीज़ ज़्यादा थी, और मैं बोल सकता हूँ कि 19 में भी ज़्यादा हैं। 17 और 19 का दोनों में वैकेंसीज़ इक्वल हैं। तो इतनी कट ऑफ गई थी, UR में गई थी मिनिमम 317 की कट ऑफ गई थी, और OBC में 309 की, SC में 244 की, और ST में 248 की कट ऑफ गई थी। ये मिनिमम कट ऑफ थी। तो ये फैक्टर क्या बताता है, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि किस फैक्टर पे मैंने कट ऑफ बताई है। तो देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, CPO का जो 18 का डाटा था, वो वैकेंसीज थी 15,578 वैकेंसीज थी, 1,578 वैकेंसीज थी, और टोटल PST क्वालिफाइड बच्चे कितने थे, 4,461। तो यहाँ पर जो रेशो बनता है दोस्तों, वो बनता है 3:1, एक एक वैकेंसी पे 3 बच्चे थे। और जो फ़िलहाल 19 का डाटा है वो क्या है, 19 का डाटा में अप्रोक्स अप्रोक्स मैं बोलूँ तो 2:1 बनता है। तो मैं बोलूँगा कि जो इस बार के जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है, और सिर्फ DP को छोड़ के अदर जो CAPF की वैकेंसीज़ है वहाँ पे आपको कंपैरेटिवली कम कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो आइए आगे चलते हैं। तो मैं बता दूँ, सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि कट ऑफ कैसे डिसाइड की जाती है। तो जो भी बच्चा जो मिनिमम जैसे कट ऑफ पे ही है, जो क्लियर हुआ है और उसके कट ऑफ के ही नंबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे, 140 की कट ऑफ गई थी प्री में UR के लिए, और उस बच्चे को DP लेने के लिए, 18 में DP लेने के लिए 209 नंबर लेने पड़ते, विच इज़ इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आप लोगों को पता है कि 200 नंबर का इंग्लिश का पेपर होता है। तो अगर आप लोगों को DP चाहिए है, तो आपको कट ऑफ से मिनिमम 20 नंबर प्लस होना पड़ता है, और फिर आपको इंग्लिश में जो पेपर होता है 185 से 190 मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं, जब जाके आपको DP मिलती है, ठीक है। तो मैं आपको ये आइडिया दे दूं कि UR में जो 140 की कट ऑफ थी और उसमें 209 नंबर जब जुड़े थे, तो अपनी कट ऑफ निकल के आई थी। ऐसे ही OBC में 133 नंबर की कट ऑफ थी, 205 नंबर जुड़े थे सेकंड पेपर में, और इसकी DP की कट ऑफ निकल के आ गई थी अपने सामने। तो एग्जैक्टली ऐसे ही मैंने डाटा उठाया है। तो मैंने हर एक पूरा डाटा तो नहीं लिखा है, बट हर एक कैटेगरी में आसपास आसपास 200 नंबर के आसपास अपने कट ऑफ से ऐड हो रहे हैं। जो भी प्री की कट ऑफ गई है उसमें अगर मैं 200 नंबर ऐड कर देता हूँ, तो हमें दिल्ली पुलिस निकल के आ रही है सामने। तो मैं बता देता हूँ, तो इस बार जो DP के लिए कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो UR में है तो 101 नंबर की कट ऑफ गई है, उसमें अगर आप 215 नंबर जोड़ दोगे, क्योंकि लास्ट ईयर 209 नंबर जुड़े थे, और प्लस में इस बार 5 से 6 नंबर मैंने ज़्यादा क्यों जोड़े हैं, क्योंकि एक तो वैकेंसीज हाफ है बिल्कुल, ठीक है, और बच्चे भी थोड़े से ज़्यादा क्वालिफाई किए हैं PST में, इस वजह से।
मेन रीज़न तो यही है दोस्तों कि जो डीपी की वैकेंसीज़ है वो बहुत ज़्यादा कम है, 100 के आसपास वैकेंसीज़ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 200 नंबर 215 नंबर जोड़े हैं इनिशियल कट ऑफ में। तो जो डीपी की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 315 से 318 नंबर की, डीपी की कट ऑफ 100% जाएगी दोस्तों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और जब रिज़ल्ट आए तो मुझसे ज़रूर शेयर करना है कट ऑफ। ऐसे ही ओबीसी में जो बिल्कुल कट ऑफ पे क्वालिफाई हैं और वो 210 नंबर ऐड कर लेते हैं तो 298 से 300 की कट ऑफ डीपी के लिए जाएगी ओबीसी में। एससी एसटी में 270 से 275 और 265 से 268 की कट ऑफ इसमें जाएगी एससी में। तो ये हो गया अपना डीपी के लिए कट ऑफ जो इंडिविजुअल कैटेगरीज में जाने वाली है। बात आती है ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की जो कट ऑफ है दोस्तों उसमें मैक्सिमम अपना फ़र्क रहने वाला है सिर्फ 10 नंबर का। जो ईडब्ल्यूएस में है वो 10 नंबर ही कम जाने वाली है। ईडब्ल्यूएस का फैक्टर आप लोगों को बाद में पता चल जाएगा, अभी कट ऑफ बहुत कम गई है प्री में। बट जो भी है ईडब्ल्यूएस का बच्चा है वो मैक्सिमम जनरल या ओबीसी के आसपास ही क्वालिफाई करते हैं। जो जनरल कैटेगरी का बच्चा है ऐसे ही ईडब्ल्यूएस का बच्चा होता है, इतने मार्क्स वो स्कोर करे मिलते हैं, या ओबीसी के बच्चे के साथ उसका कंपेयर आप कर सकते हो। तो मैं बोलूँगा ईडब्ल्यूएस को, ईडब्ल्यूएस के जितने भी बच्चे हैं वो यहाँ पर अपनी कट ऑफ को 290 के आसपास लेके चलें ईडब्ल्यूएस के बच्चे, ठीक है, डीपी के लिए। अब चलते हैं आगे दोस्तों, तो सीपीओ की जो मिनिमम कट ऑफ है वो देख लेते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। तो सेम फैक्टर है दोस्तों कि 140 नंबर प्री में थे और 140 में अगर 177 मार्क्स ऐड कर दिए जाएं तो 317 पे हमें मिनिमम पोस्ट मिल रही थी वहाँ पे। ऐसी ओबीसी में इतने नंबर ऐड कर दिए जाए तो वहाँ पे मिल रही थी। तो ऐसे ही मैंने कुछ फैक्टर लेके और यहाँ पे नंबर ऐड किए हैं वो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। बट आपके लिए इतना ही बहुत है कि जो मैंने फेयर आइडिया दे दिया आप लोगों को कट ऑफ का, इतना ही आप लोगों के लिए बहुत है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, तो जो कट ऑफ जाने वाली है दोस्तों यूआर में सीएपीएफ के लिए एनी पोस्ट के लिए, तो 101 नंबर में अगर 165 नंबर आप ऐड करते तो, मतलब जो भी इंडिविजुअल कैटेगरी में बच्चे ने अगर बिल्कुल कट ऑफ पे क्वालिफाई किया, अगर वो इंग्लिश में 165 मार्क्स लेके आता है और उसके 266 से 270 मार्क्स बन जाते हैं तो उसको मिनिमम पोस्ट कोई भी मिल जाएगी यूआर कैटेगरी में, ठीक है। यूआर कैटेगरी में मिनिमम कट ऑफ इतनी ही जाने वाली है 266 से 270 के बीच में। इसके बाद जो ओबीसी में जाने वाली है दोस्तों, तो अपनी कैटेगरी में 91 में 160 मार्क्स ऐड कर देना, 251 से 255 की कट ऑफ यहाँ पे जाने वाली है मिनिमम ओबीसी के लिए, ठीक है। एससी एसटी में ये जाने वाली है मिनिमम 220 से 225 की, और एसटी में जाने वाली है जो मिनिमम कट ऑफ है दोस्तों 210 से 212 की मिनिमम कट ऑफ जाने वाली है, ठीक है। सीएपीएफ में अब वो सीआरपीएफ हो सकता है या बीएसएफ हो सकता है, कोई भी फोर्स हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वैकेंसीज ठीक ठाक है सीएपीएफ में इस बार। तो सीए तो हो सकता है कि बीएसएफ में नीचे सबसे कम चली जाए या सीआरपीएफ में सबसे कम चली जाए। तो ये थे दोस्तों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो और कमेंट में अपनी क्वेरीज कुछ भी पूछ सकते हो। और रही बात ईडब्ल्यूएस की, तो मैंने बता दिया है कि ईडब्ल्यूएस में भी जो कट ऑफ है आप ओबीसी के इक्वल इक्वल ही लेके मान सकते हैं। यहाँ से आप 5-7 नंबर माइनस में ही लेके चलना, ठीक है, मैं कहूँगा माइनस में ही लेके चलना 5 नंबर, तो इतनी कट ऑफ पे ईडब्ल्यूएस वालों को भी 245 मिनिमम आप मान सकते हो कि ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 245 से 250 तक मिल जाएगी, ठीक है, कोई भी पोस्ट। तो ये थी दोस्तों कट ऑफ, आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, और मैं आप लोगों को बोलूँगा जो भी बच्चा तैयारी करता है तो कम से कम ये लाइन अपने आपको खुद को बोले कि आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज़ ऑलवेज विद मी, आई एम अ विनर, टुडे इज़ माई डे। तो दोस्तों मोटिवेशन मिलता है खुद को अगर आप प्रॉमिस करोगे मेरे को पोस्ट लेनी है, मेरे को जॉब लेनी है, तो आप ज़रूर लाइफ में ज़रूर अच्छा करोगे। और ये था मेरा जो कट ऑफ का आइडिया है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है, यहाँ पर आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ये सी ए पी एफ का है कोई भी पोस्ट के लिए, और यहाँ पर ये है अपना डीपी के लिए। तो आप लोगों को कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और ना भी पसंद आए तो वीडियो को तो दोस्तों डिसलाइक कर देना, एज सच मेरे लिए कुछ मैटर नहीं करता, मैं आप लोगों को एक आइडिया ही दिया है वीडियो के लिए, ठीक है। तो दोस्तों लगे रहिए, मेहनत करिए, और आप लोगों को मैं पहले ही अच्छी अपनी तरफ से बेस्ट विशेस दूंगा कि आप लोगों को जल्दी जल्दी पोस्ट मिल जाए कुछ ना कुछ, और 2021 आपके लिए लकी हो। थैंक यू फ्रेंड्स।